हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप और हम जुड़े रहें और हम आप तक रोज नई नई खबरें पहुंचा सकें। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े सितारों के ऊपर आरोप लगते ही रहते हैं, जिनमें से कास्टिंग काउच भी एक काफी गंभीर मुद्दा है। कास्टिंग काउच जैसे मामले में बॉलीवुड और टीवी के कई मशहूर कलाकार फंस चुके हैं, जिनमें अमन वर्मा का नाम भी सामने आया था। 40 साल के अमन वर्मा का करियर कास्टिंग काउच की वजह से खतरे में पड़ गया। अमन वर्मा के ऊपर 2005 में आरोप लगा था, जिसकी वजह से वे रियलिटी शो बिग बॉस में भी शामिल हुए, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ और उनका करियर ग्राफ गिरता चला गया। वो इंडस्ट्री से काफी दूर हो गए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमन वर्मा ने अपनी बहन के साथ शादी की थी। बताते कि अमन वर्मा ने अपनी सगी बहन से नहीं बल्कि ऑन स्क्रीन बहन वंदना लालवानी के साथ शादी रचाई थी। ये दोनों टीवी शो शपथ में भाई बहन की भूमिका में नजर आए थे। दोनों ने 14 दिसंबर 2015 को सगाई कर ली और कुछ दिन बाद ही 20 अप्रैल 2016 में उन्होंने शादी रचाई। जब अमन की शादी की रस्में चल रही तो शादी से एक दिन पहले उनके पिता का देहांत हो गया। अमन ने पिता के निधन के बाद शादी को रोक दिया, लेकिन उनके परिवार वालों ने इन दोनों की शादी काफी सादगी से करवा दी। शादी की सभी रस्में पूरी हुई थी। इसके बाद दोनों ने 2017 में धूमधाम से शादी की। अमन ने कहा, मेरे हिसाब से लोगों को उसी वक्त शादी करनी चाहिए जब दोनों शादी के लिए तैयार हो, और हमारे लिए शादी का सही समय था और वंदना भी मेरे साथ काफी खुश थी, तो हम दोनों ने शादी कर ली। हम शादी से पहले 2 सालों तक रिलेशनशिप में भी रहे हैं।